एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। बच्चे ने बचपन से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। बेटा भी बहुत अच्छा मूर्ति बनाया करता था और बाप अपने बेटे के कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे के मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वे अपने बाप के सलाह पर अमल करते हुए वे अपने मूर्तियों को और बेहतर बनाता था। इस लगातार सुधार के वजह से बेटे के मूर्तियां बाप से भी अच्छा बनने लगा और ऐसा टाइम आ गया कि बेटे के मूर्तियों को लोग पैसा बहुत देकर खरीदने लगा, जबकि बाप के मूर्तियां पहले वाली कीमत पर बिकती रही। बाप अपने बेटे के मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बिना मन के कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपने मूर्तियों को सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे ही दिया। आप जब कमियां निकाला तो बेटा ने बोला, आप ऐसे जैसे कहते हैं कि आप एक बड़े मूर्तिकार हैं, अगर आपको इतनी ही समझ होती तो मूर्तियां कम कीमत में नहीं बेचती। बेटा ने बाप से कहा, मुझे नहीं लगता है कि आपकी सलाह की जरूरत है, मेरा मूर्तियां परफेक्ट है। बाप ने बेटे की बात सुनी तो मूर्तियों में कमियां निकालना और बाप के सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने वो खुश रहा, लेकिन फिर वो नोटिस किया कि लोग उसे मूर्तियों को उतना तारीफ नहीं करते हैं जितना पहले करते थे और उसके मूर्तियों को दाम बढ़ना बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे के बात को बहुत शांति से सुना, जबकि पहले से ही उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया, क्या आप जानते थे कि ऐसे होने वाला है? बाप ने हाँ कहा, क्योंकि आज से कई साल पहले इस हालात से टकराया था। बेटे ने बाप से कहा, क्यों मुझे आप समझाया नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मूर्तियाँ उतनी अच्छी नहीं बनता, ये भी हो सकता है कि मूर्तियों में मेरा सलाह गलत। ऐसा भी नहीं है कि मेरे सलाह के वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बनी है, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता तब तुम अपने बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होता था। तुम खुद के बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी के कारण था, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इससे बेहतर और होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा बेहतर उम्मीद करते थे और तुम्हारे यही कारण है कि तुम्हारे मूर्तियों के लिए तुम्हारे तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया। बेटा ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीखो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए एस्पायर करते रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी।